बनाए गए हैं वहाँ पर केवल महिलाओं के लिए ही यानी कि वोट डालने की एक सुविधा दी गई है, और पिंक बूथ के ऊपर महिला कांस्टेबल ही तैनात हैं, सीआईएसएफ के जवान भी यहाँ हैं और महिलाएं भी हैं। इनका कहना है कि यहाँ तो ज़्यादा रश नहीं है, जैसे महिलाएं वोट डालने के लिए आती हैं साथ ही साथ उनका वोट कास्ट हो जाता है, वोट पोल हो जाता है। ये बूथ नंबर 51 बूथ पे, जो कि पिंक बूथ यानी कि इंगित किया गया है, पिंक बूथ बनाया गया है केवल महिलाओं के लिए, जो बालिग होते हैं जो 18 साल से ऊपर की महिला यानी कि अपने कन्या लड़कियां हो जाती हैं और उसके बाद महिलाएं होती हैं, वो यहाँ बूथ से अपना वोट कास्ट कर सकती हैं। स्पेशल पिंक बूथ बनाए गए हैं, ऐसे इस बार ऐसा प्रोविजन किया गया है चुनाव आयोग द्वारा। हो गया लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है? बिल्कुल पीसफुल चल रहा है, लोगों में बहुत उत्साह है वोट डालने के प्रति, और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम लॉ एंड ऑर्डर की पूरी हासी पुलिस डिस्ट्रिक्ट में कहीं नहीं है। कितनी पुलिस डिप्लॉय की हुई है, कितने सीआईएसएफ के जवान यानी कि हथियार के तौर पर आकर सुरक्षा के तौर? टोटली हमारे पास 1600 पुलिस मुलाजिम हैं जो सारे इलेक्शन में आज के दिन काम कर रहे हैं। पिंक बूथ भी हैं कुछ बताए जा रहे हैं, स्पेशली महिलाओं के लिए बूथ बनाए गए हैं। कोई बात नहीं, हमारे पास 7 बूथ हैं जिनके ऊपर महिलाएं लगी हुई हैं और वहाँ पीसफुली इलेक्शन चल रहा है। यार मतदाता हैं यहाँ, तो वहाँ गांव की यानी कि जो कंट्री साइड जो है वहाँ क्या पोजीशन चल रही है? लोगों में बहुत उत्साह है, उत्साह तो है, लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, उत्साह तो वाजिब होना ही है। लॉ एंड ऑर्डर गाँव में थोड़ा सा दिक्कत आती है कि अब की बार वहाँ किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी भी गाँव में अब तक की हालात के अनुसार, क्योंकि आपके पास तो पूरी फीडबैक आती रहती है आपके सारे। बिल्कुल पीसफुल चल रहा है, कहीं भी किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम अभी तक क्रिएट नहीं हुई। स्पेशल सुपरविजन के लिए आपने कितनी यानी कि पार्टियां बनाई हुई हैं? हमारे पास हमने इसमें 4 डीएसपी और 7 इंस्पेक्टर लगाए हुए हैं, कुछ हमारे पास पैरामिलिट्री फोर्सेज के अफसरान वाला वो भी लगाए हुए हैं, मैं खुद घूम रहा हूँ एसडीएम साहब भी। तो हल्के की जनता को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे लॉ एंड ऑर्डर के माध्यम? हल्के की जनता को यही करें कि पीसफुली मतदान हो और एक एक बूथ पे जो है एक एक मतदाता आके पोलिंग करें। थैंक यू, और लॉ एंड पीस बनाए रखें। ये थे यानी कि एसपी महोदय वीरेंद्र सागवान जी, जो कह रहे हैं कि पूरे हलके का इन्होंने दौरा किया है और कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेस भी इन्होंने डिप्लॉय की हुई हैं, पुलिस के जवान भी डिप्लॉय किए हुए हैं, कहीं से ऐसी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं आ रही है, बहुत पूरे हलके के अंदर बड़ा पीसफुल चल रहा है। मैं राजीव बंसल हांसी की आवाज़ से एक रिपोर्ट। प्रत्याशी के पुत्र अर्जुन जी बड़े लड़के हैं, तो आप बिल्कुल भी घूमे हो जी? बिल्कुल। कैसा माहौल लग रहा है? बहुत बढ़िया, एक तरफा वन साइडेड तो ऐसे होता है, कैसे होता है आज जी? हमारा तीसरा निशान तो ऐसे होता है। तो कमल खिलाने की तैयारी में? बिल्कुल। कितने अस्वस्थ हो अपने जीत को लेकर? 1000% हाउ मच मार्जिन? हांसी की जनता का जो प्यार हमें मिल रहा है, हम जहाँ भी जा रहे हैं बूथों पे दिख रहा है हमें कि कहीं कोई भी दूर टक्कर कर रहे। मार्जिन मिल गई? आइडिया है हमारा 50,000, कोशिश है उससे ज़्यादा करने की। सभी गांव में भी घूमे हैं? बिल्कुल, अभी जा रहे हैं गांव में, दौरा करके उसके बाद गांव में। पॉलिंग स्मूथ चल रही है? बिल्कुल स्मूथ चल रही है, बिल्कुल। प्रशासन अपनी जगह से सारी कार्रवाई कर रहे हैं, बिल्कुल शांति से सब कुछ चल रहा है। तो आपने कितने बूथ घूम चुके हैं? मैं मेरे ख्याल में 40-45 बूथ घूम चुका हूँ, बाकी अभी गाँव में। योर कस्टडी योर वर्क नॉट? यस, दैट्स माय राइट। ये हैं भाजपा प्रत्याशी के बड़े सुपुत्र अंशुल खाना, अपनी जीत को लेके बहुत अस्वस्थ हैं और कहते हैं कि 1000 times यानी कि हम अपना जीत हमारी निश्चित है। मार्जिन जब इनसे पूछा गया तो ये कह रहे हैं कि 50,000 से अब का हमारा मार्जिन रहेगा, क्यों ना हो। यानी कि प्रत्याशी के सुपुत्र जो हैं तो कह रहे हैं कि मैं सभी जगह घूमा हूँ, सारे शहर में घूमा हूँ, समूह चल रहा है, समूह चल रहा है। बिल्कुल हाँ, लबस ये मोदी लहर है, लहर। सीमा इससे पहले कभी नहीं डाला? ना, तो इस बार ही गया। अच्छा, और क्या था लग रहा है वोट डालने आई हो? अच्छा लग रहा है। यहाँ की बहू हो आप? साथ में कौन है? मैं इनकी सास हूँ। सास हूँ। अच्छा, इससे पहले कभी वोट नहीं डाला? क्या नाम आपका? सीमा। सीमा ले लो, वोट
डाला है? हाँ जी आप डाला है। हाँ जी। कितनी बार डाला आपने इससे पहले कोर्ट? मैं 4-5 times डाल चुकी हूँ। 4-5 तो आप मम्मी? हाँ जी मम्मी। आपने तो बहुत बार डाला होगा। आपके मुँह से सरकार मिलती है, ये नागरिक हो आप इस बारे में, आप तो पढ़े लिखे हो। हाँ जी। कितने साल हुए वोट बने आपके? मेरे को 6 साल। दूसरी बार डाले? दूसरी बार वोट आपने? चार बार। ठीक लग रहा है। आप मैं 54 number बूथ पे खड़ा हूँ, जो डडर पार्क का एक स्कूल है, सरकारी स्कूल है, और उस स्कूल के अंदर 2 booth बने हैं, 53 and 54 number। जब हमने 54 number बूथ के प्रिजाइडिंग ऑफिसर से बात की तो उन्होंने कहा कि 1200 से अधिक यहाँ वोट हैं और 250 से ज़्यादा वोट कास्ट हो चुके हैं। टोटल यानी कि 20% के लगभग समय हो चुका है, यानी कि 3.25 घंटे हो गए हैं यानी कि पोलिंग को, तो 20% तक यानी कि अभी पोलिंग हुई है। शाम को 6 बजे तक पोलिंग होनी है। और जब हमने पुलिस अधिकारी से बात की जो तैनात हैं यहाँ बाहर, और ये CISF के जवान भी यहाँ मुस्तैदी से तैनात हैं, अपनी ड्यूटी को सर अंजाम दे रहे हैं, तो इनका कहना है कि भी यहाँ बिल्कुल पीसफुल चल रहा है साहब। बिल्कुल चल रहा है। तो शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम RK सिंह। RK सिंह, आप यहाँ मुस्तैदी से तैनात हैं, आपके अपने संगी साथी भी आपके हैं, तो कोई इस तरह की गड़बड़ का किसी तरह का कोई नहीं? EVM बंद हुई हो कभी? अभी नहीं, किसी तरह का नहीं है। हमको निष्पक्ष चुनाव कराना है और हम लोग किसी से कोई मतलब नहीं, निष्पक्ष होना ही मेरा काम है। हाँ, निष्पक्ष होना ही आपका काम है। तो बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव होना ही चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में ये सबसे बड़ी एक खूबसूरत चीज़ हमें दी गई है, मत का अधिकार, जो हम अपने जमहूरियत के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर अपना मत का प्रयोग करें, हम अपने वोट को प्रयोग करें और एक पॉपुलर गवर्नमेंट बनाए, यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एक नियम है। यहाँ पर पुलिस भी तैनात है, CISF के जवान भी तैनात हैं, सभी पोलिंग एजेंट भी सभी पार्टियों के अलग अलग तैनात हैं, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपना काम को बखूबी सरंजाम दे रहे हैं। तो इससे मालूम पड़ता है कि यहाँ बड़ा लोकतंत्र का उत्सव अभी तक सामान्य यानी कि उत्सव है, किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी की आशंका यहाँ नहीं जताई जा रही है, और लोग बाग आराम से लाइनों में लगे हुए हैं और पोलिंग करने जा रहे हैं। एक रिपोर्ट। और वो धर्मशाला कितने? 51 53 and 54 के सामने हम खड़े हैं, और यहाँ पुलिस भी तैनात है बाकायदा, और CISF के जवान भी तैनात हैं, और बिल्कुल स्मूथली यहाँ चल रहा है। हम जानते हैं रामपाल जी से, जो सब इंस्पेक्टर हैं जिनकी ड्यूटी पर यहाँ पर लगी हुई है, कैसा कोई? बिल्कुल पीसफुल है। पीसफुल है। बूथ पे खाली महिलाएं वोट पोल कर सकती हैं? हाँ जी। तो यहाँ महिलाओं का कितना आना जाना लगा रहा है? अभी समूह चल रहा है? साथ ही साथ पोलिंग हो रही है, कोई अभी रश ज़्यादा नजर नहीं है। आपका क्या नाम है? आशा। कितनी हो? दो ही हो पाँच? हाँ जी। यहाँ पे बिल्कुल समूह चल रहा है। बीच बीच में रिटर्निंग कोई संभालने के लिए आता है? आप लोगों को ना देखने के लिए आता है? आप तो पूरा लंबी लाइन को लाइन के बाद महिला जोश नजर नहीं आ रहे हो? साथ साथ में भीड़ नहीं हो रही ना, काम चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बंसल, आपका दोस्त हांसी की आवाज़ से फिर आपसे मुखातिब हूँ। जैसे कि आपको मालूम है, 14वीं विधानसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है, मतदान संपन्न हो चुका है, और पूरे प्रदेश के अंदर शांतिप्रिय मतदान हुआ। जब हम हांसी हलके की बात करते हैं तो हांसी हलके में 193 booth यानी कि 193 booth हैं, जिसमें 56 booth यानी शहर के लिए, और पूरे हलके के अंदर कहीं भी कोई अप्रिय घटना का समाचार नहीं मिला। छुटपुट यानी कि मॉक रिहर्सल के दौरान एक दो बार EVM जरूर कहीं ना कहीं रुकी, लेकिन उसकी जगह रिप्लेस कर दी गई। कहीं भी ऐसा अप्रिय घटना सामने नहीं आई, और लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सही रहा। पूरे हरियाणा के अंदर जब बात करते हैं तो 63.4% वोट कास्ट हुए हैं, जो बहुत कम है पिछले 2014 को देखते हुए, और हांसी के अंदर 69.9% वोट पड़े, और 2014 में 74 के नज़दीक
परसेंट के नज़दीक वोट पड़े थे। इससे लगता है कि लोगों यानी कि मतदाताओं में ज़्यादा जागरूकता नज़र नहीं आई, सुस्ती नज़र आई और मत कम पड़े। हांसी हल्के की बात करते हैं तो यहाँ 25 प्रत्याशी मैदान में रहे, जिसमें मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विनोद खन्ना जी और उसके बाद अपने जज्बा प्रत्याशी के राहुल मक्कड़, कांग्रेस के ओम प्रकाश पंघाल, एलएसपी के हरिराम सैनी, निर्दलीय उम्मीदवार प्रेम सिंह मलिक और बसपा के उम्मीदवार अपने सुरेंद्र शर्मा रहे। और जब देखा जाए तो 56 बूथों पर यानी कि 56,000 यानी कि वोट हांसी शहर के हैं। टोटल 183,360 पूरे हलके में वोट हैं और लगभग 56,000 के हांसी शहर के अंदर वोट हैं। यहाँ लगभग 36,000 समथिंग यहाँ वोट कास्ट हुए हैं और बाकी 91,000 ग्रामीण क्षेत्र के वोट, जो कि ग्रामीण सात बांस लगा लीजिए, ढानियों के लगा लीजिए, उनमें हुए हैं। तो तकरीबन वोट परसेंटेज कम रही है। ऐसे में क्या अंदाज़ा लगाया जाए, क्या एग्जिट पोल दिया जाए हांसी के लिए, ये बड़ा नेक टू नेक फंसा हुआ है। और जो बेहाना जी जिनका प्रतिद्वंदी कोई नज़र नहीं आता था चुनाव के अंदर, अब थोड़ा सा जब वोट कास्ट हुए हैं तो इसमें जजपा का प्रत्याशी राहुल मक्कड़ उनका प्रतिद्वंदी नज़र आने लगा है। फिर भी जैसा कि आकलन है वोट प्रतिशत के हिसाब से, जैसा एग्जिट पोल के हिसाब से हमारा अपना आकलन है, ये गलत भी हो सकता है, बिहाना विनोद बिहाना आज भी जीत के कगार पर खड़े हैं। वो मार्जिन कितना होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, ये तो यानी 24 तारीख को ही पता लगेगा ये सब कुछ। लेकिन नेक टू नेक फाइट रही, विनोद बिहाना जी आज भी जीत के कगार पर खड़े, ऐसा हमारा आकलन है, जैसे कि मत प्रतिशत पड़े हैं इसके आधार पर। और रही बात पूरे हिसार हल्के की, सात यानी कि हिसार जिले की सात सीटों की, आदमपुर में ऐसा लग रहा है कि एक सीने तारिका जो टिपटो के नाम से जानी जाती हैं, सोनाली फोकाट जी, वो ट्रेल कर रही हैं, वो पिछड़ रही हैं। हाई प्रोफाइल चुनाव हुआ वहाँ और काफ़ी स्टार प्रचारक भी आए, लेकिन अपनी पुश्तैनी सीट को कुलदीप बिश्नोई किसी भी कदम नहीं जाने दे रहे हैं। जहाँ हम बात करें हिसार की, हिसार में यानी कि ओम रामनिवास राणा जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर कमल गुप्ता जो दोबारा रिटेन करने की कोशिश में हैं, उनको टक्कर नज़र आ रही है और लगता है कि वो भी एक छोटे मार्जिन पर कमल गुप्ता जी निकलने की कवायद में है। बात करें नलवा हलके की, नलवा हलके में कांग्रेस प्रत्याशी गंभीर पंजाब और हाल ही में इनेलो छोड़कर आए थे पिछले दिनों रणबीर गंगवाली, इनकी आपस में टक्कर फंसी हुई है, देखते हैं कि कौन निकलता है। उम्मीद है कि जैसे कि ओवरऑल सिनेरियो देखा जा रहा है प्रदेश का, यहाँ भाजपा बेशक मार्जिन कम रहे, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी रणवीर गंगवा थोड़ा सा माना जा रहा है कि जीत की ओर अग्रसर है। बात करें मारणोंद की, मारणोंद एक बहुत हाई प्रोफाइल यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां सूबे के वित्त मंत्री खड़े रहे और एक बार विधायक रहे रामकुमार गौतम, जो कि जीजेपी दुष्यंत की पार्टी से खड़े हैं। वहाँ बड़ा टफ इलेक्शन रहा है और कोई भी दोनों में से कोई भी हारना नहीं चाहता, और लेकिन ये हाई प्रोफाइल और सीट बन चुकी है। वित्त मंत्री रहे कैप्टन अभिमन्यु ने विकास तो करवाए ही, लेकिन उन्होंने बार बार स्टार प्रचारकों को वहाँ बुलाकर, यानी लोगों ने उनके विकास को एक्नॉलेज नहीं किया, स्टार प्रचारकों को उन्हें बुलाना पड़ा। मुख्यमंत्री जी भी आए दो मरतबा और सन्नी देओल भी वहाँ आए हैं, तो ऐसे में अमित शाह को भी आना था लेकिन वो नहीं आ पाए हैं, तो ऐसे में फंसा हुआ सा लग रहा है। लेकिन फंसा हुआ किस कदर लग रहा है ये तो 24 तारीख को ही पता लगेगा। बताते हैं कि किनारे पे खड़े हैं कैप्टन अभिमन्यु, जीत के किनारे पे खड़े हैं, कुछ भी हो सकता है, जीत भी हो सकती है लेकिन किनारे पे खड़े हैं। बात करें हम बरवाला की, बरवाला जोगीराम सिहा जो चेयरमैन रहे पूर्व में बीजेपी के, उन्होंने एन वक्त पर पार्टी छोड़ी टिकट न मिलने से, तो जिला अध्यक्ष जिन्होंने पार्टी ली सुरेंद्र पुनिया के साथ उनका बड़ा अर्थ मुकाबला है। लगता है कि वहाँ पुनिया
और जोगीराम सिहाग में बराबर की टक्कर समझी जा रही थी, पूनिया थोड़े से मार्जिन पर किनारे पे खड़े हैं, निकल भी सकते हैं। बात रही उकलाना की, जो आरक्षित है, उकलाना में आशा खेदर जो भाजपा की प्रत्याशी हैं और जसपा के प्रत्याशी यानी कि अनूप धानक जो इनेलो छोड़ के आए थे, विधायक भी रहे हैं पूर्व में इनेलो के, वहाँ से उनके बीच में टफ कंपटीशन जरूर है, लेकिन आशा खेदर उतने ही आशावान है अपने जीत के लिए, ऐसा मानना है। ओवरऑल 7 सीटों का हमने आपको आकलन दिया है। अब बाकी रही हांसी की सीट। हांसी की सीट में पहले समझा जा रहा था कि विनोद भ्याना जी की एक तरफा जीत है, कभी आकलन लगाया जा रहा था कि 50,000 से जीतेंगे, कभी 51,000 से जीतेंगे, कभी मार्जिन कम हो के आ रहा था, लोगों का ऐसा मानना है कि ये 30-31,000 पर टिक जाएंगे, तो लेकिन इनको लोगों में असमंजस था कि भी सेकंड पोजीशन पर कौन रहे, किसको डाले, अल्टरनेट क्या है भारतीय जनता पार्टी के बाद। तो ऐसा एक दो बार दुष्यंत भी यहाँ आए, उन्होंने कॉर्नर मीटिंग ली, दिग्विजय भी 7 वास में गए, उन्होंने भी एक जनसभा को संबोधित किया, और हांसी के अंदर जो वोट परसेंटेज कम हुई है शहर के अंदर भी और गाँव के अंदर भी, इतनी जो 2014 से कम हुई है, वैसे तो 69.9 यानी 70% के लगभग हुई है, और 1,27,000 वोट कास्ट हुए, इसे लगता है कि विनोद भ्याना जी जीत के करीब तो हैं, लेकिन कितने वोटों से उनकी जीत होगी यह कहना बड़ा मुश्किल है, और ये हमारा आकलन है। हमने कल यानी कि 21 तारीख को पूरे घूम घूम के हमने सुबह के हमारे यानी हांसी हल्के के SP से भी बात की, लाइन ऑर्डर से और अन्य प्रत्याशियों से भी बात की, तो कहीं ऐसी गड़बड़ी कोई नज़र नहीं आई, और सब सामान्य रूप से शांतिप्रिय ढंग से चुनाव संपन्न हुआ, यही हमारी कामना भी रही थी। हम बराबर कहते रहे हैं कि भी आप अपने मत के अधिकार को कभी मत भूलिएगा, ये सबसे विशेष अधिकार संविधान ने हमें दिया है, इसका प्रयोग कीजिएगा, लेकिन हमारी अर्ज, हमारी ये प्रार्थना, हमारा ये निवेदन कितने लोगों तो गया, हर किन उन्होंने हमारी मानी है, जिनने मानी है कि अपने मत का अधिकार प्रयोग किया, उनका हम आभार व्यक्त करते हैं, और जिन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार नहीं किया, तो आने वाले चुनाव में कभी भी जब हो तो अपने मत का अधिकार का अवश्य प्रयोग कीजिए। आपके मत के अधिकार से यानी कि देश की सरकार बनती है, प्रदेश की सरकार बनती है, कल्याणकारी सरकार बनती है, एक लोकप्रिय सरकार बनती है, इतना हमारा कहना है। आप उसमें भागीदारी निभाइएगा, और एक सक्षम भागीदारी निभाना आपका कर्तव्य भी है, दायित्व भी है, क्योंकि संविधान ने हमें अधिकार दिया है। हांसी की आवाज़ यानी कि मेरे एडिटर अजय सैनी जी बहुत यानी पर्दे के पीछे रहते हैं, मेरे साथ विजेंद्र सैनी जी, हमने पूरे चुनाव के दौरान सभी शख्सियत के इसमें इंटरव्यूज लिए, इनके साक्षात्कार लिए, और बिल्कुल बिना बायस्ड होकर हमने बिना किसी दुर्भावना के सबके इंटरव्यूज यहाँ कंडक्ट किए हैं। ये आपका प्यार, ये आपका मोहब्बत हमें बराबर मिला है, और अब चुनाव भी संपन्न हो चुके हैं, तो अब हम यानी कि यही चाहते हैं कि 24 तारीख को नतीजे की इंतजार कीजिए, जो भी जीतता है और जो भी हारता है, हार और जीत दो सिक्के के अलग अलग पहलू हैं, जीतने वाला अपने आगे की तैयारी कीजिएगा, अपना इंटरेस्ट